मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइज। और आज संडे, संडे इज फन डे। तो एरिक लास्ट वीडियोज आपने देखे होंगे गाइज, डम डम टिका टिका रे। कैसे करता है एरिक, एक बार दिखाना, मजा आता है। एरिक यहाँ पे दिखाएगा गाइज आपको, अच्छा अच्छा तो काफी अच्छा लगा गाइस, आप लोगों को अच्छा लगा होगा वो वीडियो गाइस, एरिक का डांस मजा आया होगा। तो फिलहाल गाइस काफी अच्छा, बहुत अच्छा डांस किए थे एरिक, तो ऐसे ही करते रहना डांस, ओके। यस, तो गाइस आज संडे और संडे इज फन डे। तो आज गाइस हम लोग जाने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे, एक अलग ही दुनिया में जाने वाले। कहाँ जाने वाले एरिक बताओ? और हम लोग जाने वाले हैं तारामंडल। यस गाइस, ये तारामंडल जो है गाइस, ये रांची के मुरादाबादी एरिया में चिरौंदी नामक स्थान में है गाइस। और ये साइंस सेंटर है गाइस, साइंस सेंटर के अंदर के, मतलब साइंस सेंटर के बाउंड्री के अंदर ही है। साइंस सेंटर तो बंद है बट हाँ तारामंडल खुला है। तो फिलहाल आज हम लोग चलते हैं, रेडी होते हैं। अभी तो हम लोग कुछ फ्रेश व्रेश कुछ हुए नहीं है गाइस, तो फिलहाल हम लोग के नहाते धोते हैं फिर निकलते हैं, ओके एरिक? यस यस। आई जस्ट कांट लेट यू गो, लॉर्ड नोस दैट आई हैव ट्राइड टू, यू सेड आई वाज द ओनली वन, No one likes being lied to. फिलहाल तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं रांची साइंस सेंटर। एरिक जस्ट वहां पे खड़ा है और मैं बस आया हूं गाइज यहां पे बाइक लेने के लिए, और बाइक अंदर पार्किंग करना है गाइज, तो अंदर चलते हैं। फिलहाल तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं रांची के साइंस सिटी में घूमने के लिए। फिलहाल साइंस सिटी तो बंद है बट यहां पे अभी एक है तारामंडल, वो ओपन है गाइज। तो हम लोग आज तारामंडल पे जाने वाले हैं। पता नहीं हमें वीडियो बनाने मिलेगा या नहीं मिलेगा बट हाँ चलो जा करके देखते हैं, ओके। फिलहाल गाइस एंट्री, ये रांची के चिरौंदी में है गाइस, ये जगह जो है रांची के चिरौंदी में है। तारिक के लिए तो पूरा फन हो रहा है और आप देख सकते हो इधर पे पार्क वगैरह है गाइस। अभी तो काफ़ी अंदर आ गए हैं गाइस, और यहाँ पे तो फर्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है गाइस सुरीली नली। डिफरेंट साउंड आ रहे हैं ना एरिक, तो जस्ट एरिक उसे ट्राई कर रहा है, डिफरेंट साउंड लाने की कोशिश कर रहा है ना एरिक। हाँ। बट ये काफी पुराने हो चुके हैं गाइस। हाँ। चलो एरिक अंदर चलते हैं। ये छोटे से नल पड़े हुए हैं यहाँ पे बट ये आई थिंक खराब है, चल ही नहीं रहा। देखते हो गाइस यहाँ पे है रांची का रांची विज्ञान केंद्र, रांची साइंस सेंटर। तो इधर पे है गाइस तारामंडल, तो फिलहाल चलते हैं तारामंडल की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह तो लिखे हुए हैं, ये है वराहमिहिर तारामंडल, तो डायरेक्शन इस साइड है गाइस, तो हम लोग इस साइड चलते हैं। तो ये है गाइस तारामंडल, जस्ट अभी हमें इसी पे एंटर करना है। एक शो तो ख़त्म हो चुकी है, अब हमारी बारी आई थिंक। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग तारामंडल की तरफ, तो काफी ऑसम व्यू आ रहा है गाइस इस तारामंडल का। तो हमारे पास अभी वक्त है गाइस, तो एरिक बस इधर उधर घूमे जा रहा है, मुझे भी घुमाया जा रहा है। ये क्या चीज है? आर्कमिडीज स्क्रू। और यहाँ पे है गाइस, बट ये भी पूरी ठप पड़ी है, ना पानी है ना कुछ भी है, हैंडल वगैरह भी पूरी तरह से टूटे पड़े हैं। अब एरिक और कहाँ जा रहे हो? ये काफ़ी बड़े एरिया में गाइस, देख सकते हो उधर में पत्थर के पहाड़ भी हैं, अपना वेट उठाना है इसमें, पता है कौन है? खुद को उठाए, आपको अपना ही वेट उठाना है। फिलहाल गाइस काफी लोग तारामंडल से तो निकल रहे हैं, अब लगता है हमारी एंट्री होगी, तो फिलहाल चलते हैं तारामंडल। तारामंडल में एंट्री हो गई है गाइस हमारी, और यहाँ पे है गाइस तारामंडल का एंट्री, बस वहाँ पे, बट वहाँ पे अभी हम लोग को नहीं जाना है, अभी हम लोग बाहर पे ही घूमेंगे। उसकी टाइमिंग है गाइस 12:30, तो अभी हुई नहीं है टाइम, तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और अंदर में गैस फोन अलाउड है नहीं, अभी बाहर बाहर में आप लोग ले सकते हैं फोन ले सकते हैं बट अंदर में नहीं। तो फिलहाल बाहर बाहर घूमते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ कभी, ओके। पे गाइस सबसे पहले अब राशि चक्र देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ इसके बारे में बहुत कुछ
पढ़ने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे इसका सिस्टम है जो एरिक चला रहा है, आप देख सकते हो कृषक एक खगोलीय विज्ञान बेबीलोन की सभ्यता, इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। उस टाइम के कुछ पत्थरे भी है गाइस, आप देख सकते हो, और इस पर एक छोटा छोटा कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। ऋषि यूनान एवं खगोलीय विज्ञान के बारे में है, देन फॉर्नेस एटलस, माल्टा का मंदिर, जस्ट इसका मिट्टी से और छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ है गाइस, आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे है भारतीय यंत्र, कुछ कुछ यंत्र है गाइस, वहाँ पे ग्लोब टाइप कुछ चीज़ें हैं, और इधर पे भी कुछ चीज़ें रखे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं गाइस, हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में जानने को मिल रहा है, और काफ़ी चीज़ें हैं गाइस, और एरिक को काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। तो फिलहाल और भी चीज़ें हैं जो उनको मैं दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे है गाइस ग्रह की खोज, और इस पर गाइस कोई मतलब बताने के लिए होता तो ज़्यादा अच्छा रहता गाइस, क्योंकि सब आकर के गाइस उस बटन को दबाया जा रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे है गाइस बहुउद्देश्य ब्रह्मांड, ये काफ़ी, यहाँ पे क्या है, रेडियो वेव दबाओ, तो रेडियो वेव क्या होता है देखो, रेडियो वेव का असर दिख रहा है ब्रह्मांड में, ठीक है। अब देखो तो माइक्रोवेव, हाँ अब देखो माइक्रोवेव का असर। तो गाइस तारामंडल का टाइम हो चुका है, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं तारामंडल में, काफ़ी भीड़ आ रही है, यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है गाइस, तो फ़ोन को रखते हैं पॉकेट पे, फिर मिलते हैं। ओके, सो देखने के बाद गाइस अभी तारामंडल से निकल चुके हैं, और अभी खेल रहा है एरिक बाहर आकर के चेस, तो मैं दिखाता हूँ। ओके, एरिक काफ़ी जगह घूम रहा है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एरिक है। दूरबीन, हर्षल का 7 फीट का दूरबीन, कैसे दिखता है एरिक? दिखा उस दिखा ये कॉपरनिकस का ग्रह प्रतिरूप, टाइको का ग्रह प्रतिरूप, आप देख सकते हो गाइस ये थे। तो गाइस काफ़ी लगभग लगभग एंड हो चुका है, और मैं एक बार इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। ओके, फिलहाल तो गाइज अभी बाहर आ चुके हैं, और इतनी तगड़ी वाली धूप लग रही है ना, क्या ही बताऊं, अंदर में तो पूरा एसी चल रहा था गाइज, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पे तो काफ़ी गर्म गर्म हवाएं चल रही है। यहाँ पे खजूर के पेड़ है गाइज, जिसमें पके पके खजूर पड़े हैं, और काफ़ी तो वहाँ पे नीचे में गिरे हुए थे, जिसे मैं उठा के खा रहा था। वाले एरिया से तो आ गए हैं गाइस, तो हूँ आपको इधर पे डायनासोर वगैरह बने हुए हैं गाइस, मैं दिखाता हूँ। ओके, देखते हो यहाँ पे कुछ डायनासोर के स्टैचू वगैरह बने हुए हैं, इधर पे भी अलग अलग तरह के बने हुए हैं। तो यहाँ पे है गाइस फर्स्ट डायनासोर, इसका नाम है ट्राई शेराटॉप्स,
नाम, इनका श्रेणी, परिवार, आकार, वजन, भोजन, आवाज़ सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो ये कितने खुकार देख रहे हैं के बारे में। ब्राइकोसॉरस इनके बारे में भी यहाँ बताया गया है गाइस। और ये देख सकते हो यहाँ पे तो छोटे बने हुए, असली में ये कितने बड़े बड़े होते थे। ये तो खुखार वाली है, सिटाकोसॉरस, ये खतरनाक है। ठीक है एरिक, नहीं यार ये भी तो भोजन, ये भी तो पौधे वगैरह खाते हैं, दिखने से तो बड़ा खुखार दिख रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि ये भोजन में ये शाकाहारी है, पौधे वगैरह खाते हैं। खतरनाक वाला है एरिक, दिखने से लग रहा है ना, इसके दांत देखने से लग रहे हैं। तो ये जल्दी, ये मांसाहारी, देखा ये, यस यहाँ पे देखो इनका भोजन लिखा हुआ है ना, भोजन मांसाहारी भोजन, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता था। और वीरा पटर, ये खतरनाक है, ये मांस अंडे भोज पौधे वगैरह सब खाते हैं, ये तो खतरनाक लग रहे है गाइस। मशरूम टाइप कुछ बने हुए हैं, ऊपर में मधुमक्खी भी बने हुए हैं। फिलहाल गाइस अभी हम लोग डायनासोर वगैरह तो देख लिए, अब हम लोग जा रहे हैं आगे, अब देखते हैं और क्या है, नहीं तो फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। ओके चले यारिक। फिलहाल तो गाइस झाड़ी वाले रास्ते से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि गाइस अभी तो चारों तरफ लगभग लगभग ज़्यादा झाड़ी ही दिखते हैं गाइस। पहले जब हम लोग आए थे उस टाइम काफ़ी अच्छा था गाइस, बहुत ही अच्छा था, बस अभी मेंटेनेंस ज़्यादा है नहीं गाइस, बस तारामंडल का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है गाइस। फिलहाल हम लोग निकलते हैं गाइस। तुम्हें तारामंडल कैसा लगा मुझे बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला ना सन के बारे में गाइस, और सन के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में गाइस बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है तारामंडल में। बट हाँ गाइस, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई स्पेस शिप में है और जस्ट हम लोग सब भी मतलब सन के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था गाइस, बहुत अच्छा लगा। बट हाँ चक्कर आ रहे थे गाइस मुझे, एकदम गजब से टाइप का लग रहा था सच कहूँ तो। तो फिलहाल गाइस निकल, तो गाइस अभी हम लोग तारामंडल से निकल चुके हैं और अभी बज रहे हैं 2 और हम लोग को बहुत भूख लग रही है गाइस, तो चलते हैं सीधा घर। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं घर और शाम के बज चुके हैं गाइस 4। और गाइस काफी अच्छा लगा आज तारामंडल घूमने में। वैसे तारामंडल का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। बट हाँ साइंस सेंटर का मेंटेनेंस उतना अच्छा है नहीं गाइस, बट हाँ तारामंडल बहुत अच्छा लगा गाइस। और वहाँ वहाँ की जो फीलिंग थी गाइस एकदम अलग ही थी, मतलब वहाँ इतने अच्छे लग रहे थे ना गाइस, लग रहा था पूरे स्पेसशिप में है, मतलब पूरे स्पेसशिप में सभी ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं गाइस, और मतलब किसी किसी के तो ग्रह के अंदर भी घुस गए थे हम लोग। तो फिलहाल गाइस बहुत अच्छा लगा। अगर आप रांची से हो गाइस तो प्लीज़ जा करके एक बार तारामंडल जरूर विजिट करना, अगर नहीं गए हो तो। फिलहाल गाइस आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।